करगिल जंग का योद्धा, भारतीय वायुसेना के बहादुर लड़ाकू विमान MiG-27 अब रिटायर हो चुका है। MiG-27 के बगैर करगिल युद्ध की बात अधूरी होगी। MiG-27 ने 1999 में हुए करगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। MiG-27 के दम पर ही भारतीय सेना ने करगिल युद्ध में दुश्मनों को धूल चटाई थी। लेकिन अब यह बहादुर 27 दिसंबर को हमसे विदा हो गया, यानी भारतीय वायुसेना से MiG-27 सेवा मुक्त हो गया है। MiG-27 रूसी मूल का लड़ाकू विमान है। सोवियत संघ के मिकोयना गुरविच ब्यूरो द्वारा इसका डिजाइन और निर्माण दोनों किया गया था। बाद में लाइसेंस पर भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया और MiG-27 के भारतीय वर्जन को बहादुर नाम दिया गया। 80 के दशक में ही ये भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और तब से आज तक देश सेवा में लगा रहा। MiG-27 में विशेष इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और वेपन कंप्यूटर लगे होने की वजह से ये अलग अलग तरह के हथियारों को दागने की क्षमता रखता है। एक साथ 4000 किलोग्राम के हथियार ले जाने की क्षमता है। ये कम ऊंचाई पर हमला कर सकता है और सटीक निशाना लगा सकता है। ये करीब 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम था। साल 2017 में MiG-27 के दो स्क्वाड्रन को पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस से सेवा मुक्त किया गया था। इस विमान का एक स्क्वाड्रन जोधपुर एयरबेस पर था, जिसमें 7 अपग्रेडेड MiG-27 विमान थे। इस स्क्वाड्रन को स्कॉर्पियन 29 के नाम से जाना जाता था। 27 दिसंबर को ये स्क्वाड्रन भी सेवा मुक्त हो गया है।